10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH. तो NaOH का कितना सॉल्यूशन है 10 ml. 10 ml ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 8 ml ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl. अच्छा, इसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं किससे, 8 ml ऑफ HCl से, ठीक है, और उससे ही कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है. इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अगर हमारे पास 20 ml ऑफ NaOH होता तो द अमाउंट ऑफ HCl, कितना HCl चाहिएगा, HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट. तो दोबारा न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, अब NaOH की मात्रा दुगनी हो गई तो HCl की मात्रा भी हमें कितनी चाहिएगी, दुगनी चाहिएगी, यानी 16 ml ऑफ HCl चाहिएगा न्यूट्रलाइजेशन के लिए. ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन के आंसर की. अब एक चीज समझो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और वाटर H2O, सॉल्ट और वाटर, इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण की क्रिया, न्यूट्रल हो जाते हैं एसिड और बेस मिलकर, क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं. और सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट हमारे न्यूट्रल होते हैं तो सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट होते हैं न्यूट्रल और वाटर, ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. अब यहाँ पर जो क्या हो रहा है वो मास को जो है बैलेंस करने की बात हो रही है, 10 ml चाहिए, 10 ml के लिए चाहिए 8 ml, तो 20 ml के लिए कितना चाहिएगा, 16 ml, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर डबल अमाउंट वहाँ NaOH का हो गया तो डबल अमाउंट HCl ही रिक्वायर होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये सिंपल सी बात है. तो आंसर तो हमारा ये हो जाएगा 16 ml, ठीक है. यहाँ पर 10 ml चाहिए था किसके लिए, 10 ml के लिए चाहिए था 8 ml HCl, तो 20 ml के लिए जो है जस्ट डबल हो जाएगा, 8 × 2, 16 ml ऑफ HCl, क्लियर है. नेक्स्ट we'll be right back.